हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रेशो चैप्टर में से 2012 से लेकर 2012 से लेकर 2014 तक इन तीन सालों के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे अपने इस आज की क्लास के अंदर करें। तो शुरू करते हैं 2014 के सेकंड पेपर से। CDS के क्वेश्चन है हमारे पास। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ ट्री वेरीज एट स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज। जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एज, ये बात बोली गई है। और आपको ये बात पता होगी कि हम फिजिक्स वगैरह के अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी देखते हैं कि जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कोई कॉन्स्टेंट आता है, और जब उस कांस्टेंट आता है आपके पास तो रेशियो आपके पास उनका क्या बनेगा, एच वन अपॉन एच टू इक्वल टू रूट के अंदर ए वन बाय रूट ए टू। कांस्टेंट को हटाकर हमारे पास ये रिलेशन बनता होता है, एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू रूट के अंदर ए वन बाय रूट ए टू। प्रोपोर्शन से मुझे ये बात पता लगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कहता है जब एज 9 साल थी, A1 की वैल्यू 9 है, तब हाइट 4 फुट थी, H1 की वैल्यू 4 है। जब एज 16 साल है तब हाइट की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। तो यहां से H2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 × 4 16/3, मतलब 5 सही 1 बटा में 3 फिट ये हो जाए। और एक फुट के अंदर आप जानते हैं 12 इंच होते हैं, तो 5 फुट तो पूरे हो जाएंगे, और 1/3 फुट का मतलब हो गया 4 इंच। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोपोर्शन का साइन हटाया, इक्वल आया और हमने उसको रेशियो में लिख लिया। आसान क्वेश्चन था 2014 के सेकंड पेपर का। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी, ए और बी की एज का रेशियो आपको दे रखा है 2/5, बी और सी की एज का रेशियो आपको दे रखा है 3/4, और हमें ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। इस तरीके से जेड बना लो तो 2 × 3 6 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, 5 × 4 20 हो गया। तो आपके पास आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन, ये भी 2014 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन। फिर 2014 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/5 है। मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो मैं देखता हूं इसकी वैल्यू 8/-2, मतलब माइनस का 4/1 मिली। x अपॉन वाई की वैल्यू -4/1, x अपॉन वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि x और y जो है ना वो अलग अलग साइन के हैं। x और y का रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x और y का साइन अपोजिट है। अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, और अगर x y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव होगा, दोनों का साइन अपोजिट है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कहता है x इंटू वाई पॉजिटिव है, x इंटू वाई अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इससे हमें क्या पता लगा कि या तो दोनों सेम साइन के होंगे, पॉजिटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम साइन के होने चाहिए। ये बात बोल रहा है कि दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, और ये बात बोल रहा है कि दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तो दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट आ गई। इसका मतलब मैं बोलूंगा ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है जो मेरी दोनों बातों को सेटिस्फाई करे, नो रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई एग्जिस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2014 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 2/3, बी और सी का आपको रेशियो दे रखा है 5/7, सी और डी का आपको रेशियो दे रखा है 3/10, और मुझे ए रेशियो डी चाहिए क्या होगा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो 30 आ गए, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो 210 आ गए, तो रेशियो आपके पास क्या आ गया, 1:7 आ गया। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, B की वैल्यू निकालने के लिए हम नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और D की वैल्यू के लिए, तो आपका आंसर 1:7 आ गया।
तो 2014 के दोनों एक क्वेश्चन आया था, कंप्लीट है आपके पास। उसके बाद मेरे पास 2013 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन कहता है, किसी स्कूल के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 था, टोटल 2400 स्टूडेंट है, तो गर्ल्स पूछिए कितनी होगी, 5/12 × 2400। आपके पास आंसर आ जाएगा 1000। टोटल 2400 को इस रेशियो के अंदर बांटना था, 7 और 5 के रेशियो में। अगले क्वेश्चन पर चलते, 2012 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन कहता है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, ये बात हम जैसे भी जानते हैं। कहता है टोटल बंदे कहता है 19,35,000 टोटल है, टोटल उसमें से फीमेल होगी 9,35,000, तो टोटल में से फीमेल को माइनस करूंगा तो मेल हो जाएंगे 10 लाख, 10 लाख मेल हो जाएंगे। पूछा है सेक्स रेशो क्या होगा, तो मुझे 1000 मेल चाहिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी, तो 1000 अगर मेल हैं तो फीमेल होएगी 935, तो 1000 अगर मेल हैं तो 935 फीमेल होएगी, तो सेक्स रेशो की वैल्यू आपके पास आएगी 935। ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2012 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन कहता है, मिल्कमैन बोट 15 किलो मिल्क और 3 किलो उसके अंदर वाटर मिला दिया, इफ प्राइस पर केजी ऑफ मिक्सचर बिकम ₹22, कॉस्ट प्राइस उसने पूछी है क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी। ठीक बात अभी, ओके है। तो उसने 15 किलो मिल्क खरीदा पता नहीं कितने रुपए के अंदर, लेकिन बेचते टाइम क्या किया, उसने 18 किलो बेचा 22 रुपए के हिसाब से, टैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 6 बार, 22 × 6 = 132/5, तो आएगा 26.4 रुपए पर केजी, ये आपके पास आंसर। और वैसे ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर होना चाहिए था, फिलहाल इसके अंदर रेशियो का कोई कंसेप्ट नहीं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, कहता है 2 नंबरों का रेशियो 2:3 है, ठीक बात है, अगर दोनों नंबरों में 9 ऐड कर दिया जाए तो कहता है रेशियो 3/4 हो जाएगा, तो 8x + 36 = 9x + 27, तो x की वैल्यू आ गई 9, तो एक नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 9 × 2 = 18, दूसरा नंबर आपके पास हो जाएगा 9 × 3 = 27, और मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए क्या होगा, 18 × 7 = 126, पीछे 12 बचा, 18 × 36 और 12 आपके पास हो जाएगा 48, 486, सी ऑप्शन मेरे पास आंसर। यह भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स और वाई का रेशियो आपको दिया गया है 7 और 5, और आपको पूछा गया 5x - 2y / 3x + 2y, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह डायरेक्ट 7 पुट कर दो, वाई की जगह डायरेक्ट 5 पुट कर दो, क्योंकि अगर एक्स की जगह 7k और वाई की जगह 5k रखोगे, के तो कॉमन आकर कैंसिल ही हो जाएगा, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू दी है डायरेक्ट पुट कर दो, तो ये आपके पास आएगा 35 - 10, ये आपके पास आएगा 21 + 10, आंसर हो जाएगा 25/31, सी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये था 2012 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, और इसी के साथ ही आपके पास सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं 2012 के फर्स्ट पेपर से लेकर 2014 के सेकंड पेपर। थैंक यू सभी को, जय हिंद।